आजकल ये देखने में आया है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए या फिर जलन की वजह से या फिर आपसी रंजिश की वजह से झूठी एफआईआर फाइल करा देते हैं, जिससे पार्टी का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल करा देता है तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके और आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं। कि ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि बड़े अपराध, सीरियस क्राइम होते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, चोरी वगैरह, उसमें एफआईआर फाइल की जाती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि छोटे अपराध यानी कि नॉन सीरियस क्राइम, उसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल की जाती है और उसमें पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल कराई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर फाइल कराई है तो सबसे पहले आपको बेल लेना चाहिए, जो कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं या फिर रेगुलर बेल भी ले सकते हैं। अगर किसी मामले में आपको पुलिस बुलाती है जो कि मामला गंभीर नहीं है, जो कि गंभीर मतलब यहाँ पे 7 साल से कम सजा का मामला है, तो आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आएगी या फिर आपको पुलिस बुलाएगी तो आपको पुलिस स्टेशन जाना है और आपकी बात रखनी है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और आपको पुलिस को यही बताना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, झूठे हैं। अब जाहिर सी बात है, उसने एफआईआर में टाइम लिखा होगा, घटना लिखी होगी, तारीख लिखी होगी और वजह भी लिखी होगी, तो आपको पुलिस को यही बताना है कि उस समय आप कहां पर थे, किसके साथ थे। वो आपको विटनेस भी होंगे, आप अगर घटनास्थल पर नहीं है तो आपके पास विटनेस भी होंगे। अगर आप घर पे थे और अकेले थे तो आप मोबाइल ट्रेस करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल कराई है तो जाहिर सी बात है कोई वजह तो होगी, कोई रंजिश तो होगी, तो आपको पुलिस को यही बताना है कि इस वजह के कारण इसने झूठी एफआईआर फाइल दर्ज करा रहा है, तो आपको ये वजह बतानी है और आपको ये बताना है कि ये मामला गलत है। इसके साथ ही आपको प्रूफ या कोई एविडेंस है आपके पास तो आपको वो भी पेश करने हैं। इसके साथ आपको पुलिस को ये कन्विंस करना होगा अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर फाइल हो रही है तो। अब पहली सिचुएशन ये है कि 7 साल से कम सजा का मामला है, यानी कि मामला इतना गंभीर नहीं है, सजा का प्रावधान 7 साल से कम का है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी नहीं। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आती है जिसमें मामला गंभीर है, जिसमें 7 साल से अधिक की सजा है, आजीवन तक कारावास हो सकता है, तो उसमें आप खुद तो जाएंगे नहीं लेकिन आपको इंटरमीडिएट को भेजना होगा, यानी कि किसी व्यक्ति को भेजना होगा जो कि आपका पक्ष रख सके। पुलिस के सामने आपको पक्ष तो रखना होगा, अगर आप भागेंगे, आपके पुलिस के सामने जाएंगे नहीं, अपना पक्ष रखेंगे नहीं या किसी को भेजेंगे नहीं, तो प्रथम दृष्टि तो पुलिस को यही लगेगा कि बंदा भाग रहा है, यानी कि उसने कुछ तो किया ही होगा। तो यानी आपको भागना नहीं है, आपको किसी को इंटरमीडिएट को भेजना है अपना पक्ष रखने के लिए। इंटरमीडिएट आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका परिवार का हो सकता है या फिर आपका वकील हो सकता है। अगर आपने पुलिस को कन्विंस कर दिया, यानी कि अगर आपने प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर एविडेंस और सब दे दिए, तो पुलिस अगर कन्विंस हो जाती है और ये एफआईआर झूठी पाई जाती है तो पुलिस के पास पावर है कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 182 के तहत उस व्यक्ति पर कार्यवाही कर सकती है, जिसमें 6 महीने तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड सेक्शन 211 के तहत भी कार्यवाही हो सकती है, जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल तक का है और जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर झूठी एफआईआर में ऐसे आरोप लगाए गए थे जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल से अधिक या फिर आजीवन कारावास हो सकता था, तो उस व्यक्ति को, झूठी एफआईआर लिखवाने वाले को 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामला गंभीर है और पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आपदा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको हाईकोर्ट जाना होगा और आपको हाईकोर्ट में सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन करनी होगी, जिसमें आपको एप्लीकेशन के साथ साथ ऑडियो प्रूफ, वीडियो प्रूफ, फोटो, एविडेंस जो भी है वो आपको रखने होंगे। आपकी एप्लीकेशन देखने के बाद हाईकोर्ट जांच अधिकारी को कुछ निर्देश दे सकती है। ऐसे मामलों में जब तक कि सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, तब तक आप पर कोई भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।
साथ ही में पुलिस भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बाई चांस अगर आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है तो वो भी रुक जाएगा, और जब तक कि हाईकोर्ट के कुछ नए आदेश ना आए तब तक। अगर हाईकोर्ट में आपकी फेवर में फैसला आता है तो हाईकोर्ट झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप छूट जाते हैं, बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो आप आईपीसी की धारा सेक्शन 500 के तहत झूठी एफआईआर कराने वाले पर आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई झूठी एफआईआर फाइल करता है तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई लीगल वीडियोस या कोई लीगल नॉलेज अपडेट करें तो आप तक पहुंच सके। साथ ही में आप हमें हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।